ओम शांति। 19/10/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न: याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर: याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूंसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत रात के राही। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में घुटका आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकती। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव, इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, खिवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सदगति होती है, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयोग आ नहीं सकता, सदगति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सदगति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहां दुर्गति का नाम नहीं होता, कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो, सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की, तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त
ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैंपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे त्वमेव माता च पिता, सबके आगे यह महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? लक्ष्मी नारायण की अपनी लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको मात पिता कह ना सके, तो इस समय परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में मात पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माता च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं। अक्ल तो कुछ है नहीं, शिव बाबा है पीन। यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके, अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख नाक कान भी शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है, यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है, जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है, एरोप्लेन में 1 दिन, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। जो कोई भी देख ना सके, तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उसकी उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? मात पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता यह ब्रह्मा, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी पत्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा। तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे,
कामचिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट, तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल, यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पुरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है, बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती है, माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के घूंसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरा, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। पुरुषार्थ भी करते हो लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है।
उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं, उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबती है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा, उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई कोई याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है, कोई को सुख की कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले ना आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूलाकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है, बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि